कार मॉडिफिकेशन का क्रेज भारत में बढ़ने लगा है। भले ही कंपनी कस्टम पैक ऑफर करने लगी हो, पर अपने हिसाब से गाड़ी को मॉडिफाई करने का मज़ा अलग ही होता है। पर जो चाहे वो मॉडिफाई करने की परमिशन हमारे भारतीय कायदे कानून नहीं देते। इतना ही नहीं बल्कि बाहरी देशों में भी मॉडिफिकेशन से लेकर कठोर कायदे कानून बन चुके हैं। हालांकि कुछ देश ऐसे भी है जिनमें मॉडिफिकेशन की फुल परमिशन दे दी गई है, जिनमें जापान जैसे देश शामिल है। हमारे इंडियन रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से कार को मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं है। अब मॉडिफिकेशन इंडिया के अंदर कोई आम बात नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक बहुत से मॉडिफाइड कारों को सीज कर लिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि मॉडिफाइड गाड़ियों के आरसी को सस्पेंड करके कार ओनर को अरेस्ट किया गया है। अभी भारत के अंदर ऐसी बहुत सी केसेस सामने आई है। साथ ही इसमें केरला का मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट अब कठोर कदम उठा रहा है, जो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किन मॉडिफाइड गाड़ियों को सीज कर लिया गया है और ऐसा कौन सा मॉडिफिकेशन कार ओनर ने किया था जिसकी वजह से उनको भारी जुर्माना देना पड़ा, और ऐसा मॉडिफिकेशन करने की गलती आपसे ना हो इसलिए ये वीडियो आपको देख लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी कार को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यूज करना बहुत इंटरेस्टिंग है, पर आपको अथॉरिटीज़ को ध्यान में रखकर मॉडिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि बहुत से मॉडिफिकेशंस को इलीगल ठहराया जाता है। हाल ही में ऐसा ही इंसिडेंट साउथ इंडिया में हुआ है, जो बहुत ही चर्चा में था। केरला के व्लॉगर ई बुलजेट इस यूट्यूबर ने अपने फोर्स ट्रैवलर को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया था और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने उसे सीज कर लिया। ये व्लॉगर यूट्यूब पर बहुत ही फेमस है। उन्होंने अपने ट्रैवलर को बहुत ही अच्छे से मॉडिफाई किया, जिसमें गाड़ी का कलर चेंज करके हेडलैम्प्स, लाइट्स और कुछ पार्ट्स को रिप्लेस करके रूफ पर LED लाइट बार लगाया था। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने गाड़ी को एक चलते फिरते घर में ही कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि गाड़ी के अंदर सोफ़ा, TV जैसी चीज़ें थीं। कुछ डॉक्यूमेंट्स के इशू की वजह से केरला के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने इस गाड़ी को पकड़ा था, पर बाद में किए गए मॉडिफिकेशंस की वजह से RTO का ध्यान इस पर चला गया। केरला का मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट अब मॉडिफिकेशन और पार्ट अल्ट्रेशन के केसेस में बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया है, और इस ट्रैवलर में तो बहुत ही हेवीली मॉडिफिकेशंस हो चुके थे जिनका टोटल वैल्यूएशन करीब करीब 2 करोड़ का था। इन यूट्यूबर को पकड़कर केरला मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने जेल में डाला था और 5,000 का जुर्माना हर एक मॉडिफिकेशन पर लगा दिया था। इस जुर्माने का खर्चा ही लाखों का है, और इस व्हीकल के RC को और ड्राइवर के लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है। अभिन ब्रह्मबास की मॉडिफाइड इसुजू D-Max V-Cross बहुत फेमस है। इंडिया में इस मॉडिफाइड D-Max V-Cross को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि गाड़ी को बहुत हेवीली मॉडिफाई किया गया है। इस गाड़ी को बेसिकली मॉन्स्टर ट्रक में बदला गया है। गाड़ी में 12 इंचेस का लिफ्ट किट लगाया गया था, साथ ही सस्पेंशन में चेंजेस करके हाइट को बढ़ाया है। इस गाड़ी की पॉपुलरिटी इतनी है कि इसको कुछ फिल्मों में भी दिखाया गया है। साथ ही गाड़ी को मॉन्स्टर ट्रक बनाया गया था, जिसके अंदर 16 इंचेस के रिम रैप्ड ऑल टेरेन टायर्स लगे थे। गाड़ी में ऑक्सिलरी LED लैम्प्स, स्नॉर्कल, आफ्टर मार्केट हेड लैम्प्स, आफ्टर मार्केट ग्रिल, कस्टम एग्जॉस्ट सिस्टम, इन चीज़ों को ऐड किया गया था, जिसकी परमिशन मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट नहीं देता है। केरला के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को जब ये बात पता चली, तब उन्होंने इस गाड़ी के ओनर को फाइन लगाया था, पर ओनर ने इस मामले को कोर्ट में खींचा, और कोर्ट में केस हारने के बाद इस ओनर को कुल मिलाकर 48,000 का फाइन भरना पड़ा। इतना ही नहीं बल्कि गाड़ी को पहले जैसा बनाने के लिए 6 महीनों का समय भी दिया था। इस गाड़ी के मॉडिफिकेशन को हटाने के लिए बहुत लंबा समय लगा। इस घटना से ये समझ आता है कि मॉडिफिकेशन से लेकर केरला का मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट अब स्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि केरला के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने 1 साल के भीतर लगभग 8,000 मॉडिफिकेशन कारों के RC को सस्पेंड किया है। गाजियाबाद में मॉडिफाइड स्कॉर्पियो को भी कब्जे में ले लिया गया है। इस स्कॉर्पियो को स्टंट करते वक्त देखा गया था, साथ ही उसके मॉडिफिकेशंस की वजह से पुलिस ने इसे पकड़ लिया था। गाड़ी का पेंट बदलकर बॉडी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। एक्सटीरियर ही नहीं बल्कि इंटीरियर को भी मॉडिफाई किया गया है। गाड़ी में हाई वोल्टेज स्पीकर और वूफर्स है। इस गाड़ी का ओनर गाड़ी को मॉडिफाई करने के बाद मैरिज फंक्शन के लिए 15,000 से 20,000 रुपये के किराए पर देता था। इस गाड़ी पर कुल मिलाकर 8 चलान काटे गए हैं।
गाड़ी के स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से इस गाड़ी का RC भी सस्पेंड हुआ है। ज़्यादातर केसेस में मॉडिफाइड व्हीकल के RC को ही रद्द किया जाता है और साथ ही कार ओनर को भारी जुर्माना भी देना पड़ता है। यहाँ पर ओनर को अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, पर ऐसा मॉडिफिकेशन न करें तो ही बेहतर होगा। ये स्कॉर्पियो के दो मॉडल्स जो लिमोजिन बॉडी स्टाइल में मॉडिफाई हुए हैं, इनको वाशी RTO ने कब्जे में लिया था। दोनों भी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन गुजरात का है और इन दो गाड़ियों को भी मैरिज फंक्शन के लिए 10,000 प्रति घंटे के किराए पर दिया जाता था। इस पर RTO का कहना है कि व्हीकल के डायमेंशन में चेंजेस करना इलीगल है। इन दो गाड़ियों के लेंथ को 1.6 मीटर से बढ़ाया गया है। गाड़ी को बाहर से और अंदर से मॉडिफाई किया गया है। गाड़ी अंदर से डिस्को बार के जैसे मॉडिफाई हो गई है। गाड़ी का मॉडिफिकेशन का खर्चा 25 से 30 लाख तक है। गाड़ी के अंदर 32 इंचेस LCD स्क्रीन्स, सिटिंग डेस्क और बार है। गाड़ी को सीज करने के बाद RC को रद्द किया गया है और साथ ही इसके ओनर को भी भारी जुर्माना देना पड़ा है। यहाँ पर है बलेनो, जिसको मर्सिडीज की ए क्लास इस गाड़ी में कन्वर्ट किया गया है। गाड़ी को सामने से देखा जाए तो बलेनो के आगे के पूरे हिस्से को अलग करके यहाँ पर एक क्लास का बम्पर और डायमंड ग्रिल को लगाया गया है। साथ ही गाड़ी के एग्जस्ट सिस्टम में चेंजेस करके वहाँ पर क्वाड एग्जस्ट को लगाया गया है। गाड़ी को स्पोर्टी दिखने के लिए इसमें 16 इंचेस के 5 स्पोक अलॉयज लगाए गए थे। साथ ही गाड़ी के केबिन में भी थोड़े बहुत बदलाव किए गए थे। पर केरला के सड़कों पर दौड़ने वाली इस मर्सिडीज वाली बलेनो को आखिरकार केरला के पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। RTO और पुलिस ने इस कार को जब्त कर लिया था। इस कार के फर्स्ट ओनर ने इस गाड़ी को अपने दोस्त को बेच दिया और उस सेकंड ओनर ने RC बुक पर नाम बदले बिना ही इस गाड़ी को मॉडिफाई करवाया था। साथ ही इलीगल तरीके से मॉडिफिकेशन करने के बाद इस ओनर ने इसे सेकंड हैंड कार मार्केट पर बेचने के लिए खड़ा कर दिया था। इस किए गए मॉडिफिकेशंस की वजह से गाड़ी की ओरिजिनल आइडेंटिटी ही मिट गई है, जिसकी वजह से इन मॉडिफिकेशंस को इलीगल ठहराया गया था। RTO ने इस गाड़ी को पहले जैसे करने के ऑर्डर्स दिए थे। साथ ही मालिक ने इस गाड़ी को पहले जैसे करके RTO को भारी फाइन भी दिया था। तो दोस्तों, यही थे वो कुछ केसेस जिनको इलीगल मॉडिफिकेशंस की वजह से कब्जे में ले लिया गया था और ये केसेस बहुत ही चर्चा का विषय बनी थी। ऐसे और भी बहुत सी केसेस हैं जिनमें मॉडिफिकेशन को इलीगल ठहराया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। साथ ही आप और कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे ये भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में ही बताइए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।